सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हो रहे हो तो रास्ता बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है जड़ नहीं। यकीन मानिए बिना करियर ना तो कोई इज्जत है और ना सुख है, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। इंसान के बर्बाद होने का कारण अधिक नींद, गुस्सा, डर, आलस, हार मान लेना व काम को टालने की आदत है। आज का पंचांग 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 6:31 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 8:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:40 से 11:55 तक रहेगा। आज का भी मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आप सभी को उत्पन्न एकादशी की शुभकामनाएं। कर्क राशि 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, आप अभी जीवन में आ रही बाधाओं और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह सुने और बुरी आदतों से दूर रहें। इसके बजाय अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय निकालें ताकि आप फिर से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों। अपनी कुशलता के कारण आपको घर और कार्यस्थान दोनों में सम्मान और आदर मिलेगा। आज यात्रा की भी संभावना है। अच्छे कामों का लाभ प्राप्त होने वाला है क्योंकि उदारता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इन दिनों आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने में बहुत अधिक मेहनत की है, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आपका बोल चाल का लहजा आपके आर्थिक व व्यावसायिक मामलों में बहुत अधिक सफलता प्रदान करेगा। पैसों से जुड़ी गलती हो सकती है, गलती में सुधार करने के बाद जीवन में बदलाव करना आसान होगा। कठिनाइयों की वजह से जीवन में आ रही बदलाव सकारात्मक होंगी। इन बदलावों से आपके करियर में प्रगति होगी। चुने हुए काम में सतर्कता बनाए रखें, आपको अपेक्षा के अनुसार प्रगति मिलेगी। लव लाइफ में चिंताएं बढ़ेगी, आपसी समझ से चिंताएं दूर होगी। सावधानियाँ, सोशल एक्टिविटीज में समय बिताएं, कभी कभी अपने बारे में ही अधिक सोचना और कुछ स्वार्थीपन लाने की वजह से कुछ संबंधों में खटास आ सकती है। अगर इन गुणों का सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप सिंगल हैं तो एक परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है, बस सही समय आने दें। सोलमेट के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग घाटे को भी फायदे में बदल सकती है। अगर आप अपने साथी को खुश रखते हैं तो आप खुद को प्रसन्न करते हैं। आज आप अन्य मामलों की तुलना में अपने परिवार पर अधिक ध्यान देंगे। आपका दिन मस्ती में बीतेगा और आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि पैसों को प्यार से ज्यादा महत्व ना दें, क्योंकि प्यार पूरी उम्र रहता है, पैसा नहीं। बात करते हैं करियर की। इस समय आप एक विजेता की तरह हैं, जहां डर, भय या मानसिक समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप में से कुछ लोगों को आज प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी खास से अलगाव आपकी नींद उड़ा देगा, लेकिन आने वाले दिन आपके लिए शुभ है। अपने पेशे और वातावरण के साथ साथ चीजों को आसान बनाने के लिए यह समय बेहतरीन है। आपकी नीतियों और रणनीतियों की अधिक सराहना की जा रही है, इससे आपकी प्रतिष्ठा और स्थिति दोनों में सुधार होगा। आज आर्थिक लाभ की भी संभावना है। आज जो विकल्प आपके पास है वे आपके लिए बेहद लाभदायक हैं। आज व्यवसाय में व्यवस्थित कार्य प्रणाली भी रहेगी और आय की स्थिति भी बेहतर होगी। साथ ही कोई
रुकी हुई पेमेंट भी वसूल होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कार्य गति पकड़ेंगी। नौकरी पेशा लोगों को किसी टूर पर जाना पड़ सकता है, ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बात करते हैं सेहत की। जिन लोगों को डायबिटीज तथा बीपी की समस्या है, उन्हें लापरवाही नहीं बरतनी है, दिनचर्या को सीमित रखें, शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को वस्त्र का दान करें, कंबलों का दान करें, इस समय शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।